संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। काम किए हैं वेतन दो वेतन दो वेतन दो। काम किए हैं वेतन दो वेतन दो वेतन दो। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आपने इस वीडियो क्लिप को देखा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, काम किया है वेतन दो, हमारी मांगे पूरी करो, काम किया है वेतन दो। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। आपने इस वीडियो में क्लिप में देखा। यह वीडियो बिहार प्रदेश के औरंगाबाद जिले के नबी नगर प्रखंड से आया, जिसमें वार्ड सचिवों ने बैठक किया और पूरी तरह से आंदोलन की तैयारी, संगठन को मजबूत और बनाने की प्रक्रिया तेज की, शपथ लिया और कहा कि हम अपनी एकजुटता को एकता को दिखाएंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो राज्य स्तर पर प्रदेश स्तर पर पटना की धरती पर बड़ा आंदोलन होगा। संख्या भी कोई कम नहीं, 1,14,691 संख्या है वार्ड सचिव और इनका मानना है तमाम वार्ड सचिव पटना की धरती पर पहुंचेंगे और नीतीश सरकार से जो हमें जन्म दिया है उनके सामने फरियाद करेंगे, संघर्ष करेंगे और उम्मीद इनके द्वारा जताया जा रहा है कि निश्चित तौर पर जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें वार्ड सचिवों ने अहम भूमिका निभाया है हम पूरा कर रहे हैं, तो सरकार भी हमारी मांगे पूरी करेगी। इनका कहना है कि काम किया है वो वेतन दो, ज्यादा नहीं। इनकी मांगे तीन है इनके अनुसार। पहला जो है समान सम्मानजनक वेतन, स्थायीकरण और राज्य कर्मी का दर्जा। तीन मांगों को लेकर यह संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी इनकी मुद्दा है तो पंचायत चुनाव दिसंबर महीने में समाप्त हो जाएगा तो ये डर मन में बैठा हुआ है कि कहीं नए वार्ड सदस्य जो हैं वार्ड सचिवों को हटाकर नए ढंग से चयन न कर, इसको लेकर इनके संघर्ष तेज। चलिए खबरों की सिलसिला हम जारी रखेंगे लेकिन उससे पहले औपचारिक रूप से हम पर चले। मेरा नाम सुनील बॉबी है और कैमरे के पीछे साहिल राज है और आप इस समय देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा चैनल जो आपके लिए हमेशा आवाज उठाते आया है और उस समय तक उठाता रहेगा जब तक आपकी संघर्ष और आपकी मांगे पूरी न हो। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल की सदस्यता नहीं बढ़ाई है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब करें और आपके घर में तमाम मोबाइलों से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी हमारी सदस्यता संख्या बढ़े और सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे। वीडियो तो लाइक करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके संबंध में आवाज बुलंद की गई है और कमेंट करके जितने भी लोग देखें तमाम लोग कमेंट करके इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। तो कमेंट में लिखिए वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। और दूसरा स्लोगन अगर आप चाहते हैं लिखना तो जरूर लिखिए काम किए हैं तो वेतन दो, काम किए हैं तो वेतन दो। खबर यह एक नबी नगर से ही नहीं बल्कि आज बिहार के हर प्रखंडों से यह खबर निकलकर सामने आ रही है लेकिन हम तो बताएंगे आज खबर नवी नगर में किस प्रकार से दर्जनों की संख्या में वार्ड सचिवों के द्वारा बैठक किया गया। बैठक में पुरुषों के साथ साथ अधिकाधिक संख्या में महिला वार्ड सचिवों की भी संख्या देखी गई और अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ होकर जोरदार रूप से नारा लगाती नजर आई कि वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, काम किया है तो वेतन दो, हमारी मांगे पूरी करो। क्यों नहीं पूरी होनी चाहिए, काम किया है तो वेतन देना ही पड़ेगा, मानदेय देना ही पड़ेगा और अगर अच्छा अगर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने में इनकी भूमिका रही है तो इनकी मांगे भी पूरी होनी चाहिए। आपको बता दें जैसा कि आप वीडियो क्लिप में अभी तक देखे हैं, वीडियो क्लिप में हम यह भी दिखाएंगे कि वहां के प्रखंड सचिव जो हैं क्या कुछ कहते हैं। वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा, पंचायत
वार्ड सचिव संघ के प्रखंड सचिव हरेंद्र जी क्या कहते हैं, हरेंद्र पासवान क्या कहते हैं, यह भी आप जरूर सुनिए। यानी कि सरकार को अब किरकिरी हो रही है, हर तरफ सरकार से हालांकि अनुशासित ढंग से वार्ड सचिवों के द्वारा अपनी मांगों को रखा जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं कि शनिवार का दिन जिला औरंगाबाद प्रखंड नबीनगर में एक बैठक, आवश्यक बैठक किया गया, जिसमें वार्ड सचिवों को उत्साहित करने और शक्ति भरने का काम किया गया। शनिवार को औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड मुख्यालय में संत निरंकार भवन में वार्ड सचिवों की बैठक जिला अध्यक्ष राम अनिश की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें प्रदेश स्तर पर आंदोलन के साथ साथ मांगों पर भी विचार किया गया, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष बच्चू सिंह, उपाध्यक्ष कमलेश सिंह, सचिव हरिंदर पासवान, मंजू देवी, रीना देवी, निर्मला देवी, रीता देवी, सुषमा देवी, बेबी देवी और नागेंद्र पासवान जैसे दर्जनों वार्ड सचिव इस बैठक में भाग लेकर पुरजोर रूप से एक स्वर में कहा कि पटना की धरती पर नबीनगर से काफी संख्या में वार्ड सचिव पहुंचेंगे और सरकार के सामने अपनी आवाजों को बुलंद करने में सबसे आगे रहेंगे। देखना होगा समय क्या बताता है। हालांकि आपको हम बता दें कि इनकी संख्या 1,14,691 बताई जाती है। इनका मानना है कि 4 सालों तक हम लोगों ने काम किया है और एक पैसा न तो मानदेय मिला है और न ही किसी प्रकार की भत्ता मिली है। मिला है क्या, लोगों से तुतकार मिला है। लोगों ने इस फिराक में षड्यंत्र रचना शुरू किया है कि मैं वार्ड सचिवों को हटाऊंगा और अपने तरह के अपने लोगों को फिर से चयनित करके सामने लाएंगे। सरकार से यही सच्चाई को सामने लाने के लिए वार्ड सचिवों के द्वारा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कहना है काम किए हैं तो वेतन दो, यानी कि संत निराकार भवन में यह तय हो गया नबीनगर में जब भी राज स्तर पर आंदोलन होगा तो नबीनगर से काफी संख्या में वार्ड सचिव उसमें भाग लेंगे। इसमें कई मांगों के साथ संगठन को मजबूत करने और 3 सूत्रीय मांगों पर भी विचार किया गया। बैठक में मुख्य रूप से संगठन को और मजबूत करने और 3 सूत्रीय मांगों पर विचार किया गया। आखिरकार इनकी 3 सूत्रीय मांग क्या है? पहला है सम्मानजनक मानदेय मिले, दूसरा है कि वार्ड सचिवों को अस्थायीकरण कर दिया जाए और तीसरी मांगे हैं कि वार्ड सचिवों को जो है पंचायत सचिवों की तरह सरकारी कर्मी का दर्जा दे, क्योंकि जिस प्रकार से पंचायत सचिव कार्य करते हैं, चेक काटते हैं, योजनाओं पर नजर रखते हैं, उतना ही बड़ा काम वार्ड सचिवों के द्वारा भी किया जाता रहा है। तो एक काम के लिए अलग अलग मान मर्यादा और सम्मान और वेतन क्यों? कहना है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, भले ही अभी न मिले लेकिन बाद में मिलना चाहिए। हालांकि विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के द्वारा यह जरूर आवाज उठाता जाता रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। नियोजित शिक्षकों के द्वारा भी यह आवाज उठाई गई है, लेकिन अब तक लगातार 10 वर्षों से नियोजित शिक्षक इस कार्य को लेकर, इस मांग को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के भी दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन समान काम समान वेतन पर कोई फैसला अब तक नहीं आया है। अब वार्ड सचिवों के द्वारा यह मांग उठाई जा रही है कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। देखना यह होगा कि क्या वार्ड सचिवों की यह मांग पूरी होती है। और सबसे बड़ी मुद्दा है कि दिसंबर तक, जो 12 दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराना है, होना है, उसके बाद वार्ड सचिवों पर सरकार की कैसी नजर रहती है? क्या वार्ड सचिव पुराने वाले ही रहेंगे या नया? हालांकि इस पर मैं बता दूं कि सरकार की ओर से अब तक इस पर किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इस नोटिफिकेशन पर निश्चित तौर पर
सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होगा तब सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन इस तरह का, जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर अनुमंडल मुख्यालय में ही डिप्टी सीएम और सभापति के द्वारा बयान दिया गया कि निश्चित तौर पर वार्ड सचिवों का जो सम्मान है सरकार की ओर से मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष सभापति महोदय ने भाषण के दौरान ही कहा कि नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्मानित नीतीश कुमार के समक्ष वार्ड सचिवों की पीड़ा को रखेंगे और उम्मीद जताई गई कि निश्चित तौर पर इस पर विचार होगा और सकारात्मक विचार होगा। और डिप्टी सीएम ने भी यहां तक कह दिया अगर इनको मानदेय देने की प्रावधान रहा होगा तो मानदेय मिलेगा। हालांकि विशेष तो डिप्टी सीएम ने नहीं कहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन कहा गया है कि मेहनत का फल जरूर मीठा होता है। तो लगातार वार्ड सचिव जो आंदोलन कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसी तरह से अगर अपनी मांगों को बुलंद करते रहे तो वार्ड सचिवों को सम्मान मिलेगा। आपके साथ में हमारा चैनल, हमारी पूरी टीम आपके साथ में है, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रहा है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि निश्चित तौर पर चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए कि हमारी सदस्यता संख्या आपकी सदस्यता संख्या बढ़ जाए। मैं हरेंद्र पासवान वार्ड सचिव प्रखंड नवी नगर के सचिव। आज हम लोग नवी नगर संत निरंकार भवन नवी नगर प्रखंड के सभी वार्ड सचिव अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर और संगठन को मजबूत करने पर उद्देश्य को लेकर आप बैठ रहे हैं। हम सभी का मुख्य मांग वार्ड सचिव को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाए और वार्ड सचिव को सरकारी पूरे बिहार के वार्ड सचिव 1,54,690 निरंतर 4 वर्षों से मुख्यमंत्री के ड्रिप प्रोजेक्ट 7 निचय अंतर्गत हर घर नल का जल एवं नली गली पंजीकरण का कार्य पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ धरातल पर उतारने का कार्य किया है। आज तक हम लोगों को सरकार की ओर से ना तो कोई मानदेय दिया गया है और न ही कोई भत्ता दिया गया है। हम सभी वार्ड सचिवों का आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है, ऐसी हम लोगों की परिस्थितियाँ आ गई हैं कि अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भी भरण पोषण नहीं कर पा रहे, अपने बाल बच्चों को एक अच्छे शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आज हम लोग 4 वर्षों से आर्थिक शोषण होते आ रहे हैं। मैं बिहार सरकार से पूरे वार्ड सचिव 1,14,000 मांग करते हैं कि हम सभी के भी बाल बच्चे हैं, हम सभी को रोटी दाल रोटी का जुगाड़ कर दिया जाए। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद वार्ड सचिव संग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।